पुलिस के साथ नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने जानलेवा हमला किया है। मामूली विवाद में जानलेवा हमला हुआ है। लाठी डंडे कुल्हाड़ी से जमकर किए वार, चार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। घायलों में एक वृद्ध महिला भी शामिल है। सीएससी छानी से हमीरपुर किए रेफर, कस्बा व थाना बेवार का है ये मामला। दबंगों की दबंगाई का मामला सामने आया है, जो है मामूली विवाद के लिए दबंगों ने जो है जानलेवा हमला किया है। आपको बता दें लाठी डंडे कुल्हाड़ी से इन पर वार किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में चार व्यक्ति घायल हुए हैं उनके हमले से, और इन्हें जो है अस्पताल में भर्ती किया गया है। थाना बेवार का ये मामला है, जहां चार लोगों को घायल किया गया है। दबंगों की दबंगाई का मामला हमीरपुर से सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घायलों को जो है अस्पताल भेजा गया है। इसी के साथ इस खबर पे हमारे सहयोगी सद्दाम हुसैन हमीरपुर से जुड़ चुके हैं। सद्दाम, हमीरपुर से दबंगों की दबंगाई का मामला सामने आया है, चार व्यक्ति को बड़ी गंभीर रूप से उन्होंने घायल कर दिया है, क्या है पूरा मामला? सुष्मिता जी आपको बता दूं कि ये जो मारपीट की घटना है, ये कस्बा व थाना बीमार की है, जहां एक जमीनी मामला है, जिसमें जो बटिया बटिहार जो होता है, जो बटिया खेत लिया हुआ करता है, वो फसल डालने गया था। करीमा जो है वो अपने बच्चों के साथ खेत में फसल को रखने के लिए रन्नो शुक्ला, जिसका वो बटिया खेत लिया था, उसके घर गया था फसल डालने के लिए। और करीमा जैसे ही घर गया, उसके घर में उसने फसल डाली, तो उसका जो भाई है छुन्ना शुक्ला, जो पारिवारिक भाई है, वो अपने पिता और बच्चों के साथ पहले से घात लगाए बैठे था। जैसे ही करीमा और उनके बच्चों ने उनके अपना जो बटेर खेत लिया था उसके घर में फसल डाली, करीमा अपने बच्चों के साथ फसल रखकर जैसे ही बाहर निकलता है, सभी लोग उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। लाठी डंडा कुल्हाड़ी जो मिलता है सब हमला करते हैं, जिसमें करीमा, शाहरुख और रहमत अली, और इनको सभी को गंभीर चोटें आई हैं। और बीच बचाव में चुकी रन्नो शुक्ला, जिनके खेत लिए थे, उसकी मां को भी गंभीर चोटें आई हैं। बिल्कुल सदाम, एक सवाल और करेंगे, इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई या नहीं दबंगों के खिलाफ? हम तस्वीरों में देख सकते हैं काफी ज्यादा गंभीर चोट जो है यहाँ पर व्यक्तियों को आई, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई अब तक या नहीं? सुष्मिता जी, जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र छाने में भर्ती कराया, चूंकि हालत गंभीर थी, सभी को तुरंत जिला अस्पताल रेफर कर दिया डॉक्टरों ने। अब चूंकि पुलिस ने इस बड़ी घटना को तुरंत तत्परता भी दिखाई और तुरंत सुसंगत जो धाराएं होती हैं उसमें मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है, साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है, और जो अन्य जो हमलावर हैं उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमीरपुर से आपको खबर बताई, जहां दबंगों की दबंगाई का मामला सामने आया, दबंगों ने चार व्यक्तियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, और पुलिस भी अब जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।